पापा आपको लगता है कि आपका बेटा गलत है? नहीं, गलत नहीं। ये जो खाली नाम को लेके बोला जा रहा है, ये कभी भी उमेश बन जाता है, कभी भी इम्तियाज बन जाता है, आप क्या बुलाते हो पापा? मैं उमेश बुलाता हूँ। और मैं क्या बुलाती हूँ? इम्तियाज। तो मेरे शौहर ने एक पोस्ट किए थे जिसमें लिखा था रमजान शुरू होने से पहले मैं माफी मांगता हूँ, तो ये रमजान वाला पोस्ट था, किसी इंसान से माफी नहीं मांगी गई थी। आज भी मैं तारीख पे जाता हूँ, मेरे तो मेरे वो इस्लाम के लिए ही था, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारे लगे थे। शायद आपको याद नहीं है भाईजान, मैं याद दिला दूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कल से मेरे बारे में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने गलत फहमी फैला रखी है कि मैं झूठा हूँ, मक्कार हूँ, और अब तो हद हो गई, इनका मानना है कि मैं मुसलमान ही नहीं, कभी उमेश ज़्यादा बन जाता हो तो कभी इम्तियाज़ शेख बन जाता हो। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये सच और झूठ जानना चाहते हो ना, तो ये वीडियो देखो, ये लोग कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ मेरी बीवी है और मेरे पिताजी, ये देख सकते हो आप, तो आप इनकी ज़ुबान से सुनेंगे कि मैं क्या हूँ, इम्तियाज़ हूँ या उमेश हूँ, क्या हूँ, या आपको मेरे पिताजी भी आपको बता देंगे, और जिनके साथ मैं रहता हूँ, आपकी भाभी जिनके साथ मैं रहता हूँ, वो आपको बताएगी मैं कब उमेश दादा था और कब इम्तियाज था। अस्सलाम वालेकुम। जैसे लोग बोलते हैं कि ये बहरूपिया है, इसका कोई चेहरा नहीं है, ये ढोंगी है, ये की ऐसा है वैसा है, मुझे इसकी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। ये सफाई देने भी मुझे इसलिए आना पड़ा कि लोग बहरूपिया बोल रहे हैं। बहरूपियों के ना फैमिली नहीं होती, वो एक बार ना अपने घर को छोड़ते तो दोबारा मुड़ के नहीं देखते। तो इम्तियाज़ का घर भी है, माँ बाप भी है और एक बच्चा भी है। हाँ, ये बहरूपिया होगा क्योंकि माँ बाप तो उमेश नाम से बुलाते हैं और मैं इम्तियाज़ नाम से। पैदा मराठी घर में हुए और अभी ये जी रहे मुस्लिम इसमें, तो इसका ये बहरूपिया मत बोलो। अगर बहरूपिया होता ना तो अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे नहीं लाता। और कुछ लोग जो बोलते हैं ना कि इसने ऐसा किया, ये जेल गया तो ये इस्लाम के लिए नहीं गया, ये खुद के गया, इसके लिए गया, तो मैं बता दूँ, 2020 का वीडियो तो बता दिए, कहाँ गया वो 2021 का वीडियो जो जंतर मंतर पे नारे लगे गए थे और बोला गया था मुल्ले काटे की, क्या राम, हाँ क्या बोला गया था, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अच्छा, तो ये नारे लगे थे। ये जेल किस लिए गए थे? ये इस्लाम के लिए नहीं था, ये पर्टिकुलर एक इंसान सिर्फ मुल्ले के इसमें गिना गया था, ये पूरे कौम के लिए नहीं था, पूरे कौम के लिए नहीं नारे लगे थे। मैं इस्लाम के लिए जेल गया था, मेरे मैं गवाह हूँ, मैंने छुड़ाया, मैं गवाह हूँ, और वो इंसान भी गवाह है जिसने सोशल मीडिया पे ये शेयर किया कि इसने 30,000 की मदद की, तो इसका मतलब वो भी गवाह है। वो मदद कर रहा था तो वो भी क्यों कर रहा था तो उसे पता है। रही बात सफाई देने की, और जो 2019 की बात बता रहे है ना कि 2019 में इस बंदे ने अपना नाम उमेश दादा रखा, तो मेरे भाई, बड़े भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, 2019 में आपने हमारे साथ बैठ के टाइम स्पेंड किया है। 2019 का एग्जैक्ट डेट भी आपको याद नहीं होगी, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे घर की शादी थी ना, आप शामिल हुए थे। 2019 में नवंबर महीने में 15 तारीख को आप मेरे घर आए थे। घर आने के बाद आपने चाय नाश्ता किया, उसके बाद आप मेरे घर से गए, इम्तियाज के साथ टाइम स्पेंड किया, उसके बाद आप हॉल में भी आए। बस इत्तफाकन की बात ये, उस वक्त आपके और इम्तियाज के सोशल मीडिया पे सब्सक्राइबर के कुछ 10,000 या 15,000 का फर्क था, तब आप बराबरी पे थे। जिस बराबरी की आज आप बात कर रहे हैं ना भाईजान, तो उस बराबरी को ना उस वक्त भी, और आज मैं इतनी बातें भी कर रही हूँ ना, तो इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अपने शौहर की सहारा में, शौहर की सपोर्ट में आई हूँ, क्योंकि मैं ही नहीं चाहती कि वो किसी को भी जवाब दे। जवाब देंगे तो बोलते कि अपनी सफाई दे रहा है, ना दो तो बोलते कि डर गया है, चुप बैठा है। अरे क्या करे वो इंसान, क्या करे वो। कहीं कल से मुझे बोल रहे कि मैं बोल देता हूँ अपनी सफाई पे, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो बोले, मुझे बोलना था। सफाई जाननी है आप लोगों को। जिस 2019 की आप बात कर रहे, तो उमेश दादा वो 2019 में चैनल नहीं बदली गया था, मैं बताती हूँ आपको, 2020 में अप्रैल या मार्च महीने में बदली किया गया था, और तब भी मैं मुसलमान ही था, और वो मेरे साथ रहते थे तब भी, माँ बाप के साथ भी रहते थे तब भी, आज भी। आप क्या बुलाते हो? आप क्या बुलाते हो? मैं इम्तियाज बुलाती हूँ। तो इसका मतलब ये बेटा बदल गया, इनका बेटा है ये बदल गया, उमेश नहीं रहा, मेरा शौहर है ये बदल गया,
इम्तियाज नहीं रहा, ये वाले नाम को लेके जज मत करो। और रही बात स्क्रीनशॉट दिखाने की, वो मुझे अगर जरूरत पड़े तो मैं दिखाना भी चाहूंगी, पर मुझे नहीं देना है, ठीक है? मैंने ही ये सब चीज के लिए मना की, तो मैं नहीं चाहती कि अभी मैं वापस से वो चीज करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पैसे हमने कहीं पे भी वेस्ट नहीं किए, उन अनाथ बच्चों में ही मैंने इस्तेमाल किए, जिसमें मुझे अभी बोलते हुए भी रोना आ रहा है कि मुझे इतना तो ना गिरा है किसी को। सच में आप लोग है ना, अगर बुराई बता रहे हो ना तो उसकी अच्छाई भी बताओ। अच्छा किया वो 2019 की बात आपने छेड़ी है ना, तो 2019 में वो ना दाढ़ी रखे थे ना सुन्नत रखे थे, बस इम्तियाज थे। आज वो सुन्नत रखते, हर जगह पे जाते। कभी आपने कोई ऐसी वीडियो देखे कि एक दूसरे पहले ये इम्तियाज बनाते थे? मैं खुद बोल रही हूँ कि हाँ बनाते थे, गाली गलौज भी करते थे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, ये बात सच है। लेकिन छोड़ दी, जो छोड़ दिया गया उसको क्यों आज उठाया जा रहा है? अगर उठा रहे तो सुनिए फिर। आपको पता है मैं हेल्प करने जाता हूँ किसी भी मस्जिद या मदरसे में जाता हूँ ना, तो मैं उसका वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे हर बार अच्छा नहीं लगता। ये छोटा सा बच्चा है, हेल्प करते वक्त मैं इसको तक शामिल करती हूँ कि मेरा बच्चा है, इसके आने से मुझे हेल्प करने की तौफीक मिली है तो मैं करना चाहती हूँ। रही बात बार बार ये जताने की मैंने मदद किया, मैंने मदद किया, मैंने मदद किया, 2020 में जनवरी अपना जहाँ जुलाई के महीने में भाई आपने मदद की थी, बहुत अच्छे से मुझे याद है, मैं उसे भी डिनाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन 2023 तक के हमारे हालात ठीक नहीं थे, इजहान के मेरे पेट में आने तक के मेरे हालात ठीक नहीं थे, अब जाके सुधर रहे हैं। आपको वो पैसे वापस देने के लिए कॉल किया गया था, पर आपने क्या जवाब दिया था मैसेज पे कि भाई मुझे कॉल और मैसेज मत किया करो, तो ठीक है खत्म कर दियो बात। जिसे भी हमने दिल से चाहा और मैसेज या कॉल किया ना, उसका जवाब ऐसे ही आता था। और ये भाई बोलते हैं कि मैंने ना 2 साल से इसे मैं समझा ही रहा था, भाई अब जाके वीडियो बनाया। कभी मेरा भाई मुसलमान है आप, कभी फोन नहीं उठाया मेरा, जरूरी। इन्होंने मुझे आने से मना किया था वीडियो में कि तुम आता तुझे ट्रोल करेंगे, तो मुझे जब मेरे शोहर को किया जा रहा था भाई आपने मेरा भी चेहरा अब सोशल मीडिया पे वायरल है, तो मुझे लगता नहीं, मुझे हाँ करनी है मेरे शोहर की सपोर्ट, वो नहीं गिनवाना चाहते, मैं गिनवाना चाहती हूँ। मदद 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 मदद, कहाँ गए भाई वो दिन? सच्ची बताइए कहाँ गए वो दिन जब कॉल पे घंटों बातें की जाती थी? क्या हुआ वो सब? अभी न्यूज़ चैनल बनाना, बताओ आप, मैं जब गाली देता था तब भी ये लोग मेरे दोस्त है, तब इन लोगों ने कभी मुझे एक्सपोज नहीं किया, मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाई। इन लोगों को तकलीफ ये है कि मैं वीडियो में स्कैनर देता हूँ, पैसे मांगता हूँ। अगर मैं ये चीज नहीं डालता ना तो ये लोग मुझे एक्सपोज नहीं करते थे। इनको मेरी अच्छी और बुरी बातों से कोई लेना, मेरी अच्छी और बुरी बातों से इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको लेना देना है कि मैं आगे ना बढ़ूं। पर एक्सपोज क्या करना, तुमने किसी महिला के साथ में बदतमीजी की हो? मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब मैं गाली देता था ना तो ये लोग मेरे दोस्त है, और आज ये लोग पूरा टीम बना के मेरे खिलाफ हो चुके हैं। याद रखिये ये लोग मेरे दोस्त है, मेरे साथ खाना खाते थे, और आज ये लोग मेरे खिलाफ जा रहे। जिस 2019 का जिक्र उठाया गया, उसी 2019 में साथ में बैठ के एक ही टेबल पे खाना खाया गया था, यो भी कंधे पे कंधा मिला के, कंधे पे हाथ रख करके। तब इम्तियाज गलत नहीं था, आज इम्तियाज के खिलाफ खड़े हो गए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इम्तियाज को पड़ता होगा कि उसका दोस्त ने ऐसा किया, पर मुझे नहीं पड़ता। 10 बार बोल दिए, अरे यार कोई और किया होता ना तो इतना नहीं लगता, है दोस्त ने किया। दोस्त मैं उन्हें बोल रही, दोस्त क्या बोलते हो भाई? बोलने से पहले तुमने सोशल मीडिया पे अच्छा किया, चलो अच्छी बात है, तुमने सारी वही चीज बताई जो इम्तियाज ने सोशल मीडिया पे खुद पोस्ट की है, जैसे कि उमेश दादा चैनल का नाम रखना, अग्रिमा जायसवाल का जो वीडियो आपने बताया वो रखना, फिर उसके बाद में जितने भी है बातें आपने वही रखी, आपने कोई झूठ नहीं बोला, ठीक है ठीक है। लेकिन आपने वो बात क्यों ही बोली कि मैंने इस बंदे के साथ गया था, वो नहीं बताया आपने, इस बंदे ने जंतर मंतर पे जो नारे लगे थे उसके लिए जेल भी गया, वो जिक्र नहीं किया आपने। बताओ, मैं इस्लाम के लिए ही जेल गया था, दिल्ली के जंतर मंतर पे नारे लगे थे। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने 2 बार इस्लाम के लिए गया, वो दोनों बार उन्होंने ये बोला मैं इस्लाम के लिए गया था। जंतर मंतर पे जिस बात पे नारे लगे थे, जिसका केस आज भी चालू है, आज भी मैं तारीख पे जाता हूँ, मेरे तो वो इस्लाम के लिए ही था,
मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये नारे लगे थे। शायद आपको याद नहीं है भाईजान, मैं याद दिला दूं। तो किसी प्रोटोकॉल इंसान को डायरेक्ट इस तरीके से आप बोल रहे हो ना, तो उसकी जितनी भी बुराइयां थी, ऐसा किया था, स्कैनर किया था, वो किया था, ये किया था, जितनी भी बुराइयां थी आपने बटोर के ऐसे रख दी, कहां गई वो अच्छाइयां? ऐसे मतलब इस्लाम में कहते ना कि बन मुट्ठी मदद करो, बन मुट्ठी, तो वो बन मुट्ठी को आपने बन मुट्ठी ही रख ली। बता देते ना, अरे ये आधा बता देते, आधा इसने अच्छा किया, आधा इसने बुरा किया। हाँ, लगता मेरी अच्छाई, अच्छाई तो एक रख देते। इसका मतलब आपने ये बताया कि ये सिर्फ बुरा है, तो अच्छाई क्या किया इसने? कुछ नहीं। 10 साल से मेरे साथ में वफा कर रहा है, वो अच्छा ही नहीं है। इसका एक बेटा है, वो अच्छा नहीं है। बाप फैमिली जिस मुसलमान इस धर्म में आने के लिए जिस माँ बाप ने जन्म दिया, वो पिता भी साथ में है, उनको छोड़ के वो इस मुकाम में साथ में है, जबकि बापा माँ बाप के साथ में दिन वापस से जीत लिया, जिस दिन को ये तोड़ के। पापा आपको लगता है कि आपका बेटा गलत है? नहीं 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 गलत नहीं। ये जो खाली नाम को लेके बोला जा रहा है, ये कभी भी उमेश बन जाता है, कभी भी इम्तियाज बन जाता है, आप क्या बुलाते हो पापा? मैं उमेश ही बुलाता हूँ। और मैं क्या बुलाती हूँ? इम्तियाज। जबकि हम दोनों साथ में, मैं इम्तियाज बुला रही हूँ और वो उमेश बुला रहे, तो रिश्ता बदल गया। इम्तियाज जिस जगह पे जन्म लिए है और जिस जगह पे रहे है ना, वहाँ के जितने भी लोग है सब उमेश से ही बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही उमेश के नाम से जाना है। इम्तियाज सिर्फ वो ही बुलाते हैं जिनको 10 साल से लोग जान रहे। इम्तियाज को कितना साल हुआ रहेगा? 13 साल। शादी को 10 साल हुआ, उसके 2-3 साल पहले इस्लाम कबूल किए थे, तो 13 साल। 13 साल से इम्तियाज है, उससे पहले वो उमेश ही कहलाते थे। और मुझे कोई भी ये नहीं है, पर अभी तक उमेश ही बुलाते इधर गांव में जितने। जैसे अभी मेरी मम्मी का, मम्मी मतलब हाँ, जैसे कि मेरे ससुराल से फोन आता है ना, मुझे कभी इनका फोन नहीं लगता है, तो फोन करके ये मुझसे बात करे तो ये नहीं पूछते कि इम्तियाज है क्या, ये पूछते उमेश है क्या, तो मुझे पता है कि वो किसको पूछ रहे। तो नाम को लेके, और हाँ वो उन्होंने एक वीडियो और बताई थी रफ्टफ वाले भाई की। हाँ। क्यों? रफ्टफ वाले भाई ने एक और जंतर मंतर, जंतर मंतर हाँ। पे जो नारे लगे थे उसके लिए भी रफ्टफ वाले हाँ। जिनका चैनल है, उन्होंने भी वीडियो डाला था कि वाह भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, दिल जीत लिया। हाँ। वो वीडियो नहीं दिखाई आपने भाई? इस मामले में भी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। दीने इस्लाम के लिए मैं जेल गया था और काफी दिनों तक अंदर था, तो इस मामले में भी बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। लेकिन ये आदमी इस बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है सीधा सीधा कि मैं एक पालतू आदमी हूँ। बोल रहा है तो दोनों बात बताना, दोनों भाई तरफ की बातें बता, दोनों बता के मैं भी इसके साथ गया, मैं भी इसके साथ मिला बैठा उठा, मैं बहुत टाइम तक टच पे था, आज तुझे आसमान छू लिया तो तू जमीन भूल गया कि जमीन क्या है। अरे मेरे भाई, हम तो कल भी जमीन पे थे, आज भी जमीन पे है, और हमें जमीन पे रहना पसंद है, क्योंकि दफन मुझे जमीन पे होना है, आसमान में नहीं। ठीक है, तो प्लीज ट्रोल करना है तो वो ट्रोल करो, अच्छाई और बुराई, ठीक है लेना। आप बार बार ये बताते हो, मैंने खुद दो बार मदद की। हाँ भाई, मैंने मदद ली, मैं डिनाई अभी भी नहीं कर रही। जिस तरीके से इनकी बातें होती थी, ये एहसान वाली बात नहीं है, ये दोस्ती यारी में बात है। अगर मेरी भी किसी से पहचान होगी तो मैं बोलूंगी अरे भाई तेरा चैनल है तो थोड़ा शेयर कर ले, तो बस जब शेयर करनी थी तो आप भूल गए कि वो वही इम्तियाज है। ये वीडियो शेयर होती थी तो आप भूल गए कि ये वही इम्तियाज है, तो ऐसा क्यों भाई? जब तक ये शेयर करवानी थी तब तक ये इम्तियाज, जब तक आप लोग बराबरी पे चल रहे थे तेरे दोस्त, और जिस औकात की आपने बात निकाली ना, तो औकात की बात से मैं याद दिलाऊं, 6 महीना इम्तियाज का चैनल बंद था, क्योंकि वो जेल में भी कुछ वक्त काटा था, तो उसके बाद वीडियो नहीं बने थे। आप जब लोगों को दुनिया की सैर करवा रहे थे ना, तो हम घर में परेशान भी चल रहे थे, तो ये वाली बात आप डिनाई मत कीजिए। अच्छा वक्त और बुरा वक्त जब सबका बराबर है और यहीं पे आना है, तो जिस अच्छे वक्त में आप घूम रहे थे ना, उस अच्छे वक्त में मैं इम्तियाज को छुड़ाने में बिजी थी भाई। और हाँ, आपने एक अच्छा लगा मुझे, ये चीज बहुत दिल को छू गई कि आपने बोला कि मैं सिर्फ इम्तियाज को बोल रहा हूँ, उसकी फैमिली को नहीं। आप फैमिली से मिले हो इसलिए ना, वरना आपको फैमिली के बारे में कैसे पता? वही तो, फैमिली से मिले हो ना, तो इससे दोस्ती का पता चलता है कि अगर फैमिली तक जा रहे हैं तो तुम्हारी गहरी दोस्ती। मैं ज्यादा लोगों से मिली नहीं हूँ, एक आपसे मिली हूँ और एक कुछ लोग जो उनसे मिली हूँ। मैं आपको वही बात बोलूंगा, जब मैं गाली देता था ना, तभी ये लोगों ने एक्सपोज नहीं किया, तभी मेरे बारे में बुराई नहीं करी,
मेरा सिर्फ, ये लोग बदल गए, मेरा सिर्फ सोशल मीडिया पे आने का मतलब ये था कि इनको फेक बोला जा रहा है नाम को लेकर, कि ये 2019 में उमेश दादा रखा फिर ये इम्तियाज बन गया फिर उमेश, नहीं ये भी अपने पिता को खुश करने के लिए कर रहे थे कि देखो पापा मैं अभी भी उमेश नाम यूज करता हूँ, मैं बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग ना ये बात बोलते थे कि तुझे उमेश नाम सोशल मीडिया पर रखने में कुछ ऐतराज है क्या, मुसलमान तो मैं बेशक था लेकिन उस वजह से भी मैंने नाम चेंज किया था लेकिन अपना दिन नहीं बदला मैंने बेशक, और ये कुछ लोग है जिसको मैनिपुलेट कर रहे बात को बदल बदल के ये सब करके, अरे यही लोग मेरे साथ में थे उस वक्त, साथ में बात करते थे ये लोग, खाना तक के खा चुके हैं लेकिन झूठ बोलने की इनके हद देखो, ये लोग क्या क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। लेकिन एक बात सोचने की है कि ये सब कर क्यों रहे ये लोग मेरे खिलाफ, आपको खुद समझना चाहिए ये सब मेरे खिलाफ इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा। और बात रही स्कैनर की तो मैं आप लोगों को बोल दूं, देखो मुझे पता है बहुत से लोग इस बात से नाराज भी होंगे, मैं जानता हूं कि ये बात सबको पसंद नहीं आने वाली कि मैं स्कैनर दिखाता हूं, वो ठीक है वो अपनी जगह है, आपको ना पसंद हो कोई बात नहीं, और मैंने वैसे भी किसी को जबरदस्ती नहीं करी है, लेकिन इन लोगों के बोलने का मकसद आप लोग समझो, ये जबरदस्ती टारगेट करने का मतलब आप समझो क्या है, समझ गए? एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बुराइयां दिखा रहे थे तो चलो अच्छी बात है कि तुमको एक्सपोज किया जा रहा था, एक्सपोज जो एक्सपोज करते वक्त तुम्हारी अच्छाइयां कहां गई थी, क्या हुआ जंतर मंतर का वीडियो नहीं डाला गया, जब तुम यहाँ पे जाके डोनेट कर रहे थे चीजें सामान हो राशन हो, फिर तुमने कपड़े डोनेट किए वो नहीं दिखाया गया, कब्रिस्तान में जाके तुमने वहाँ की जरूरतें जैसे कि झाड़ू होती है पानी के लिए बाल्टी होती है कैंस होते वो डोनेट किया वो नहीं, मतलब तुम जब तक के मैं वीडियो बना के नहीं डालोगे ना कि तुम ये डोनेट कर रहे हो तब तक के नहीं भाई, ये दुनिया है अगर अच्छा करोगे तो उनको बताना पड़ेगा, अगर हम जैसे के एग्जांपल मैंने किसी को सामान दी तो मैं वीडियो बना के डालूंगी तो बोलेंगे कि देखो ये सामान दे रही है तो वीडियो बना के डाल रही है, और नहीं डालूंगी तो ये भी बोलते कि कैसी है पैसे ले लेती है और रख लेती है, अरे भाई दोनों नाम तो आप ही रख रहे हो, आप ही रख रहे हो, वीडियो बना के डालो तो भी तकलीफ, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे पिताजी भी आए थे साथ में तो कभी मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा वीडियो बना के मैं डालूं किसी की मदद करके, तो मैंने उस दिन बोला था वीडियो निकाल करके मदर से, इसने निकाला नहीं, नहीं सुनते है ना ये, हां निकालना चाहिए जिसको खाना खिलाएगा ना उसका तो वीडियो डालना, बस ये बोला जा रहा है सबका खाना होने दिया, औकात निकाली जा रही है औकात, और जिस औकात की आज लोग बात कर रहे हैं ना पापा वही औकात बराबरी की थी एक वक्त पहले, वही 2019 में जब साथ में बैठे थे तब दोनों बराबर के थे, तब औकात कहाँ से गिनते क्योंकि दोनों के व्यूज और दोनों के चैनल के जो टक्कर पे थे ना तब औकात नहीं, आज को बताएंगे मेरे दूसरे चैनल साइड में रख भाई, हम साइड में ही रखे हम कहाँ, हमारे फायदे कुछ नहीं हो रहे उससे, वो तो साइड में ही है, मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, बस मेरा आज वापस इस चैनल पे आने का मकसद यही है कि किसी इंसान को डायरेक्ट धोखेबाज और ऐसे बड़े बड़े लफ्ज ना बोले, समझे, अगर धोखेबाज होता ना तो अपनी फैमिली के फोटो वीडियो कभी शेयर नहीं करता और इस तरीके से वीडियो में भी नहीं लाता और इस तरीके से बाजू में माँ और बाप दोनों नहीं बैठे होते, आज मम्मी नहीं आए मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है वो भी, लेकिन हमेशा आते या आप लोग ने मिले भी है, तो प्लीज किसी को इतना भी मत ट्रोल करो वो भी गलत बात पे, अरे उसकी अच्छाइयां क्यों भूल जाते हो, जब इस्लाम में भी है और अपने इंडियन गवर्नमेंट में भी है, 10 गुनेगार छूट जाए चलेगा लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, तो इस मैं ये नहीं बोल रही कि ये गुनेगार है और ये बेगुनाह है, मैं ये बोल रही हूँ अगर इसकी बुराइयां गिनाई गई तो अच्छाइयां कहाँ थी, अच्छाई भी दिखानी चाहिए, बस चुन चुन के वो ही वाली की है जिसमें वो गलत है, चुन चुन के 5 साल पहली पुरानी बातें दोहराई तो गई लेकिन चुन चुन के सिर्फ वही वाली जिसमें गलत है, उस वक्त कुछ अच्छे भी काम किए गए थे वो कहाँ है भाईजान, दिखाने चाहिए वो नहीं दिखाया आपने, नहीं दिखाया, इसका मतलब आप पूरी तरीके से पीछे पड़ गए थे कि मुझे इसको बुरा साबित करना है, आपने किए कोई वो नहीं है, ठीक है आपको जो करना था आपने किए, हमें जो करना है हम कर रहे, ये अभी भी वीडियो बनाने मुझे कितना बोल रहे थे कि मत आ, मेरी जिद थी कि तुम बोलोगे नहीं मुझे बोलना है, मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे शौहर बहुत ईमानदार और अच्छे हैं,
बहुत ज्यादा अच्छे, तो मुझे फक्र है इस बात का। ठीक है, आज देखो यही बोलूंगा मैं, जिसको ऐसे लोगों पर यकीन करना है करो जो बात और है वो। एक और ना, मेरे शोहर ने ना, जब हम रमजान शुरू होने वाला रहता है ना, तो गिला शिकवा करते हैं कि हम उससे कोई गलती हो गई हो तो उस गलती के लिए माफ करना, रमजान है, रमजान में अच्छे निकलना चाहिए। तो मेरे शोहर ने एक पोस्ट किए थे जिसमें लिखा था, रमजान शुरू होने से पहले मैं माफी मांगता हूँ। तो ये रमजान वाला पोस्ट था, किसी इंसान से माफी नहीं मांगी गई थी, ये रमजान के लिए उस सारी फैमिली से माफी मांगी गई थी। उस बंदे से माफी नहीं मांगी गई थी जो बोल रहा है, मैं ये चीज उनके लिए डाला हूँ जिनका दिल दुखा होगा। हाँ, और ये एक के लिए में, एक से माफी नहीं मांगी गई थी। आप मेरा पोस्ट, वो डिलीट नहीं हुआ है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें ये लिखा गया है कि रमजान महीना शुरू होने वाला है, तो मैं मुझसे कोई भी गलती हुई रहेगी तो मुझे माफ करना, ये वो पोस्ट है। तो इस पोस्ट को गलत वे में लेकर जाके दिखाया गया है। मुझे ये बताएं, माफी किस बात की माफी? ना ही किसी बहन को छेड़ा गया है, ना ही किसी माँ को छेड़ा गया है, ना ही किसी को गाली दी गई है, और ना ही किसी को उल्टा बोला गया है। माफी किस बात की? बिल्कुल, किस बात, किस बात की माफी? जब गलत बोले थे, अग्रिमा का जिस वीडियो दिखाया गया उस बात पे गलत बोले थे, उस बात पे माफीनामा डाल दिए थे, क्योंकि मुझे भी लगा था वो गलत वीडियो है, माफी मांगे। पापा, आपको लगता है कि आपका बेटा गलत है, माफी मांगनी चाहिए? मेरे शोहर किस लिए माफी मांगे और किससे मांगे? कोई झूठ नहीं बोलते। हाँ, बस ये है कि हम वीडियो नहीं बना के मदद करते, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, सच में अच्छा नहीं लगता। बाकी और आज के बाद आपको वीडियो चाहिए ना, मदद की वीडियो चाहिए ना, अब मैं बोलती हूँ कि अब आज के बाद आपको मदद की ही वीडियो दिखाई देगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना अपना। और भाइयों, मेरी इतनी सारी फैमिली, आप लोगों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, मेरे बच्चे को प्यार दिया है, और आपने मेरे कहीं ना कहीं मेरे शोहर को भी दिया है। किसी एक इंसान ने सिर्फ गलतियां दिखाई, उसकी बुराइयां दिखाई, उसके वजह से आप डाइवर्ट हो गए, मुझे उससे भी कोई वो नहीं है। लेकिन मैं, हम दोनों की तरफ से अगर किसी भी बात को लेकर आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए सच में सॉरी, माफी चाहती हूं। रमजान महीने में जाने अनजाने में हमसे कोई भी ऐसी कोई बड़ी बात बोली गई हो तो मुझे नहीं पता, मैं शायद बहुत जज्बाती हो गई थी कि मेरे शोहर को बोला जा रहा था कि ये एक नहीं है, ये बहरूपिया है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आई थी। तो मुझे माफ़ करना, मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने आते नहीं है, मेरे मुझे बस बोलने का मेरा यही था कि मेरे शोहर कोई बहरूफिया नहीं है। तो अभी तुम माफी वो किसी और वजह से बोल रहे हो, ये लोग कुछ और दिखा। अरे दिखाए, मैं वापस बोल रही हूँ कि ये माफी मैं इसलिए मांग रही हूँ कि अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई बड़ी बात बोली गई हो तो मुझे माफ कर देना। किसी इंसान देखो, हम मुसलमान है, मेन बात हम मुसलमान है, देखो गलती की है तो बेशक माफी भी मांगनी चाहिए, और इसमें कोई मतलब मोमिन इसमें गिर नहीं जाता, मेन बात याद रखना। पर ये कुछ लोग जबरदस्ती जो पीछे पड़ जाते हैं ना और झूठ का सहारा ले लेते हैं, भाई रमजान में माफी मांगनी चाहिए, लेकिन वो वजह से नहीं, ये अपने आप से जोड़कर बता। चांद रात आते, चांद रात के एक दिन पहले हर कोई व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जहाँ चाहे माफीनामा डालते, किस लिए डालते? भाई रमजान का पाक महीना है, किसी के दिल में कोई गिला शिकवा ना रहे, इसलिए पोस्ट डाल देते कि भाई जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई रहेगी तो माफ कर देना। कभी मैं तौबा करूंगा, रमजान में तौबा करूंगा तो फिर ये बोलेगा मेरे से तौबा कर लिया, तो ये ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी इनकी, इनको बोलो गलत फहमी से बाहर निकलो। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और बस एक ही बात बोलूंगा कि भाई अगर तुम ये चीज दिखा रहे हो तो दूसरी तरफ भी दिखाओ, है ना, झूठी सिर्फ ये नहीं कि बुराई दिखाओ खाली, मेरी सच भी दिखाओ, तुम वो नहीं दिखा सके। अल्लाह हाफिज।